आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 11th का संकल्प पर हम डिस्कस करते हैं और संकल्प में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए। तो सबसे पहले हम संकल्प की बात करेंगे। संकल्प होता क्या है? एक ऐसी क्लॉज फिगर जो एक सेंटर पॉइंट से, एक मेन पॉइंट से, वो ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर होगी। तो उसे हम जनरल यदि प्लेन की बात करें तो एक सीट ले लें, ये हमारे पास एक सीट हो सकती है, इस पर हमने एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल के हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक इंटीरियर पार्ट होगा और एक एक्सटीरियर पार्ट होगा, एक अंतर्भाग होगा एक बाह्य भाग होगा। अंतर्भाग जो सर्कल के अंदर है वो उसको अंतर्भाग या इंटीरियर कहेंगे, जो सर्कल के बाहर है उसको एक्सटीरियर कहेंगे, और यदि कोई पॉइंट सर्कमफेरेंस पर है, परिधि पर है, तो वो कौन सर्कल कहलाएगा। अब सर्कल के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि सर्कल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल का वो डिस्टेंस जो सेंटर से और सर्कमफेरेंस के बीच में हो, परिधि और केंद्र के बीच में हो, उसको हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यदि हम इसको हिंदी में लिखते हैं साथ साथ तो ये त्रिज्या होगा। यदि हमारे पास बात करें ये ओ पी, हमने डिस्टेंस मार्क किया उसको रेडियस कहते हैं, इसको हिंदी में त्रिज्या कहेंगे। सेम उसी तरह से ए बी जो कॉर्ड है, जो जीवा है, वो सबसे बड़ी जीवा है, वो केंद्र से उभर जाएगी तो हम उसको डायमीटर या फिर व्यास कहेंगे। उसके बाद सी डी जो एक लाइन है जो हम देख पा रहे हैं, तो सी डी को हमने कहा कॉर्ड और वो है जीवा, उसको हम जीवा कहते हैं। ये तीन ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ऐसे याद दिलाएंगे जो आगे चल के हमें काम आएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस किया हमने त्रिज्या के लिए, फिर व्यास के लिए और फिर कॉर्ड जीवा के लिए। हम उसके बाद पार्ट होते हैं सर्कल के, कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। तो हम यहीं पर ये शेडेड पार्ट को हम बात करेंगे, तो ये कहलाता है सेगमेंट, और एक यदि छोटे पार्ट में करेंगे तो उसको कहेंगे माइनर सेगमेंट या लघु वृत्त, और यदि हम बड़े पार्ट में कहेंगे उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, जिसको कहते हैं दीर्घ वृत्त। ऐसे यदि सेक्टर या त्रिज्या खंड की बात करेंगे तो हमारे पास ये छोटा पार्ट, ये वाला हिस्सा जो हम दिखाई दे रहे हैं शेड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं त्रिज्या खंड या फिर माइनस सेक्टर, और यदि ऊपर वाला पार्ट से उसे कहते हैं मेजर सेक्टर। अब इन सारे बातों के साथ साथ ये आपकी बेसिक बात हुई। अब हम बात करते हैं सर्कल के जो बाकी और करेक्टर्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो फिर हम बात करेंगे कि सर्कल हमारे पास यदि है तो उसमें कोई कॉर्ड, कोई जीवा हम बनाएं, वो जीवा कहीं केंद्र से कितनी दूरी पर हो सकती है, क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ यदि हम एक जीवा बनाते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी से, तो और ये सेंटर है, केंद्र है, ओ है, और केंद्र से त्रिज्या पर लंब बना दें तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। कहने के लिए कहा जाएगा कि हमारे पास ओ एम जो लंब है वो ए बी पर लंब है, जिसमें ए एम और बी एम की लंबाई वो दोनों सेम होगी, इक्वल होगी। तो आपकी बुक में ये एक थ्योरम है, प्रमेय है, कि यदि आप केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब ये ए एम और बी एम की इक्वल होगा। अब इसकी नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि यदि हम केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो वो लंब हो जाता है, मीन्स यदि हम यहाँ मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो ये ए ओ एम ए बी पर लंब होगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें कहा जा रहा है कि यदि हमारे पास किसी वृत्त में दो जीवा हम बना देते हैं और ये दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी, यदि इन दोनों जीवाओं की जो लंबाई है वो बराबर है, यदि ये ए बी और सी डी जीवा दोनों बराबर है तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा। तो उसमें क्या कहेंगे तो यदि ए बी जीवा सी डी जीवा के बराबर है तो इसके साथ हम कहेंगे कि कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी के बराबर होगा। इसका कन्वर्स रिवर्स थ्योरम भी है कि यदि आपके पास ये कोण एंगल इक्वल है तो लेंथ ऑफ कोण आर इक्वल होगी। जब कोण इक्वल है तो केंद्र पर बने कोण बराबर है, एंगल बराबर है, और यदि एंगल बराबर है तो लेंथ ऑफ कोण बराबर होगी।
ये एक सर्कल में है, यदि दो सर्कल हो और दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हो तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ऐसे यदि आप दो सर्कल बनाते हैं और दोनों सर्कल की रेडियस सेम है और दो जीवाएं बना रहे हैं अलग अलग, तो यहाँ पर जो आप केंद्र पर जो कौन बनेगा बनेगा वो आपस में बराबर होगी, जैसे ए बी और सी डी बराबर है। क्यों? क्योंकि ओ और ओ डैश से मार्क कर दें तो ये त्रिज्याएं दोनों की बराबर होगी, ये कॉर्डर है तो केंद्र पर बने कौन भी बराबर होंगे। तो ये कंडीशन दोनों एक वृत्त के अंदर हो चाहे दोनों वृत्त के अंदर हो, दोनों में अंदर सेटिस्फाई होती है। अब इससे आगे चलते हैं कि यदि हमारे पास केंद्र पर कौन बराबर बनते हैं तो वो आपस में बराबर होंगे यदि कोण बराबर होगी, लेकिन यदि एक ही वृत्त में हो हम दो कोण बना दें, दो से अधिक कोण बना दें, उसको कहते हैं सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल। इससे पहले आप एक और थ्योरम पढ़ेंगे, वो थ्योरम आपके एग्जाम में आती है कि यदि आप एक सर्कल को बना रहे हैं और यहां एक कोण हमने बना ली और कोई सर्कमफेरेंस कोई पॉइंट लेते हैं सी, केंद्र पर भी कोण बनाते हैं तो यहां एक रिलेशन हमें मिलता है कोण एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ए सी बी। ये मीनिंग हुआ कि यहां पर जो सेंटर एंगल है वो इस सर्कमफेरेंस एंगल का डबल होता है। यदि हम कहें कि ये एक्स है तो ये 2x होगा। इसके तीन स्थिति बन सकती हैं। दूसरी स्थिति के लिए बनाते हैं कि यदि एक डायमीटर हम ड्रॉ कर दें ए बी और यहाँ एक पॉइंट ले लेते सी को ज्वाइन कर दें तो ये एंगल ए ओ सी, ए ओ सी एक ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ए सी भी एक एंगल होगा और उस एंगल का रिलेशन भी सेम एक्स और 2x होगा। यदि तीसरे केस बना दें तो वहां पर हम ले लेते हैं ए और बी पॉइंट लें, यहां से सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट लेते हैं और एक सेंटर पर भी एक पॉइंट लेते हैं और ये एंगल एओसी एओबी में जो रिलेशन बनेगा वो सेम रिलेशन बनता है। यहां पर भी एंगल एओबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी होगा। अब इसको समझने के लिए एक हमारे पास एक थ्योरम है उसको हम डिस्कस करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां सबसे पहले थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। तो यहां इस थ्योरम को देखें और इनको वन बाय वन तीनों केसों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है वो ये है कि आपके पास इसका स्टेटमेंट यदि पढ़े तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, मींस यहां हमें जो सबसे पहले गिवन क्या इंफॉर्मेशन है, यदि हम गिवन की बात करेंगे तो इसमें एक सर्कल है, सर्कल है और उसका सेंटर O है, एस ओ सेंटर। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए दिखाना है कि एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ये हमें प्रूफ करना है। यदि यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एस सी से एक लाइन पास करेंगे जो सेंटर से पास होगी और हम उसको एज ए पी मार्क करेंगे, तो जॉइन या प्रोड्यूस प्रोड्यूस सी ओ पी। उसके बाद आप प्रूफ करोगे तो प्रूफ में आप यहां देखोगे कि यहां जो ट्रायंगल बन रहा है उन इसको एक फिगर और बना देते हैं क्लियर हो जाएगा। ये आप ए बी सी और ये ओ सेंटर, यदि हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करते हैं इस लाइन को तो ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स बनते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ए ओ सी, ए ओ सी में देखेंगे कि आपके पास ओ ए एंड ओ सी टू रेडियस है और ये दोनों इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल AOC इक्वल टू OA इक्वल टू OC दोनों इक्वल हैं, रेडियस इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हम यहां पर ये दोनों एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे एंगल नंबर 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पर देखेंगे ये दोनों रेडियस भी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। बट आपने पढ़ा हुआ है एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी,
तो इन ट्रायंगल हम AOC में देखेंगे, ट्रायंगल AOP जो होगा वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज यहां यूज करेंगे, एंगल AC ACO प्लस एंगल CAO मींस यहां के पास ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल है, ये अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आईएसएस ट्रायंगल है, OA OC इक्वल है, ये आईएसएस ट्रायंगल वाला तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां आप लिख सकते हो एंगल AOP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, आप इसको फर्स्ट मार्क कर सकते हो। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC, BOC में आप देखेंगे कि OB और OC रेडियस दोनों इक्वल है, तो यहां पर आपके पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी से देखेंगे तो एंगल BOP इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होंगे, एंगल BOP का जो रिजल्ट होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हम ले सकते हैं, तो एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 4 यहां आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया। इनके से भी आप इन दोनों रिजल्ट को ऐड करते हो तो आपके पास क्या होगा, एंगल AOP प्लस एंगल BOP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे एज AOP एंड BOP, तो ये कंप्लीट एंगल होगा जिसको आप लिखेंगे AOP, एंगल AOB इक्वल टू 2। अब यहां से 2 हम कॉमन लेते हैं क्योंकि ट्वाइस ऑफ 2 एंड ट्वाइस ऑफ 4 में 2 कॉमन होंगे, तो ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल 2 और 4 का रिजल्ट टोटल आता है आपके पास AOC, तो आप यहां से लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ACD और ये हमें शो भी करना है। इसके साथ साथ ये तीन केस बने, तो हमने सिंपल एक फर्स्ट केस के लिए लिया, सेम यदि हम सेकंड केस के लिए लेंगे तो उसमें भी आप यही करेंगे कि ये एक्स्ट्रा एंगल होगा इक्वल टू दिस प्लस दिस, और यदि यहां इस एक्स्ट्रा एंगल को लेंगे तब भी आपके पास ये दो एंगल का सम एक्स्ट्रा एंगल के इक्वल होगा, तो देन एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, बट आप देख रहे हैं कि ये एंगल AOB की वैल्यू 180 डिग्री है और ACB हाफ ऑफ एंगल AOB होता है, हम यहां क्या लिखेंगे हाफ ऑफ 180 मींस 90, एंगल ACB आपके पास एक रिजल्ट बना कि एंगल ACB इज 90 डिग्री, और इसके लिए एक स्पेशल थ्योरम याद करेंगे, इसका रिजल्ट बहुत सारे यूज होता है कि सेमी सर्कल एंगल इज 90 डिग्री, ये आपका जो सेमी सर्कल है डायमीटर व्यास के ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, और ये यहीं पर नहीं आप कहीं भी इसको बनाएंगे तभी भी चाहे आप इधर ये एंगल बनाएं तब भी 90 डिग्री होगा, ऐसे बनाएंगे तब भी 90 डिग्री होगा। इसके लिए एक दूसरी पॉइंट हम आगे थ्योरम यूज करेंगे से आगे, बट उसके लिए हर केस और डिस्कस कर लेते हैं अभी कि हमारे पास सेम ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स हैं, सर्कमफेरेंस पर एंगल AOB ट्वाइस ऑफ एंगल ACB होगा और सेम प्रोसेस होगा, ये एग्जाम में थ्योरम आती है और इसका यूज भी बहुत अधिक आता है, इसलिए इसके रिजल्ट को यूज करेंगे और थ्योरम को इंप्रूव करेंगे। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि यदि हमारे पास, अब चलो इस पे और छोटा सा बात करते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल्स हैं ये एक लेस देन 180 एंगल है, तो ये एंगल आपका जो ACB होगा वो लेस देन 90 आएगा, AOB 180 था तो ACB 90 डिग्री हो गया, बट ये रिफ्लेक्ट एंगल मोर देन 180 है तो ये मोर देन 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल, सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल का मीनिंग है कि यदि आपके पास कहीं किसी एक सर्कल में एक सेगमेंट के मोर देन वन एंगल्स बना लिए जाए तो वो सभी इक्वल होंगे। क्या सेफ होगी देखते हैं, यहां हम ए बी सी डी ई एफ
हमने इस टाइप से एंगल ए बी बी ए सी बी ए डी बी और ए एफ एंगल मोर देन टू एंगल्स ड्रॉ कर दिए, बट यहाँ थ्योरम है कि ये सभी एंगल्स इक्वल हैं। रिजल्ट क्या हुआ? सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल, जितने भी सेगमेंट होंगे उन सबका मेजरमेंट इक्वल होगा, बट कैसे होगा? सेम प्रोसेस। ये हमने थ्योरम यहाँ यूज की थी कि सपोज करो ये सेंटर ऑफ सर्कल, यदि हम सेंटर ऑफ सर्कल को इस तरह ड्रॉ करते हैं तो ये जो सेंटर एंगल है वो आपके पास जो भी है वो सपोज करो ये 2x है, तो इस 2x का रिलेशन इस एंगल के साथ क्या है? इट इज आल्सो x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो जब ये f AF B या AEB इज हाफ ऑफ सेंटर एंगल है, ये x है, ये 2x है, तो ये x 2x, ये x 2x, ये भी x और ये 2x है, तो एविडेंट x x x, तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे और इनके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल। उसके साथ में एक और पॉइंट हम देखेंगे कि यदि हमारे पास इस सर्कमफेरेंस पर मोर देन 3 4 पॉइंट्स आ जाए तो एक फोर्थ पॉइंट की कंडीशन ये होती है कि यदि कोई एंगल्स इक्वल हैं एस ए बी सी और एक हमें ये फिगर बना दे कि डी पॉइंट यहां है और ई यहां है और एफ यहां है, तो इस रिजल्ट को हमें ये देखना है कि ये तभी पॉसिबल है जब ए बी ई सी सर्कमफेरेंस पर होंगे, तो ये एंगल यदि इक्वल है तो ये ए बी ई सी फोर पॉइंट्स आर ऑन सर्कमफेरेंस, ये सभी वृत्त की परिधि पर होंगे, लेकिन यदि डी ए कहीं बाहर है तो ये एंगल सी के इक्वल नहीं होगा, तो ये सर्कमफेरेंस नहीं होगा, और यदि यहां एफ पे आ जाए तो सर्कल के अंदर आ जाएगा, तब भी ये इसके इक्वल नहीं होगा। सेम सेगमेंट थ्योरम के बाद एक और रिलेशन हम लेते हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है, सम ऑफ द ऑल अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स यदि आप यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं सर्कल के अंदर बनाते हैं और उनको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ एक रिजल्ट आएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज आल्सो 180। अब ये कैसे होगा, इसको प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा बट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। यहाँ ये दो पॉइंट है हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, इस फिगर से भी हम देख सकते हैं, यदि हम एक प्रीवियस थ्योरम को यूज करें तब भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट यहां हमारे पास जो सेंटर है और यदि इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कहीं तिरछी बनेगी, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें यहां पर भी बना देते हैं, ये सेफ हमने बनाया। आप देखेंगे ये एंगल आपके पास इस एंगल के साथ कोरिलेशन है, This is twice of this. यदि x है तो ये 2x होगा, और यदि यहां पर हम एक एंगल बना देते हैं तो इसका रिलेशन क्या, ये x और दिस यदि हम इसको मार्क कर दें e, e पॉइंट ले लेंगे तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए ई बी उन दोनों का समीकरण, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनता है, एक सर्कल क्वाड्रिलेटर जो है वो सर्कल के अंदर है, इसलिए दिस एंगल प्लस इन दोनों का सम आपके पास 180 होगा। प्रूफ करना चाहेंगे तो आपके पास सेंटर एंगल, देखेंगे सेंटर एंगल का रिलेशन क्या है, इसके लिए एक फिगर और बना दें और क्लियर हो जाएगा। इस एंगल का रिलेशन देखते हैं कि ये एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, दिस एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल ए डी सी, बट ये रिफ्लेक्ट एंगल आपके पास होगा
इसका क्या एंगल AOC मींस ये एंगल होगा तो वो इसका डबल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्ट एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ABC ये आप देख रहे हैं ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री के पर होगा यहां से आप 2 कॉमन ले लें तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC ये आपके पास 2 अपोजिट एंगल होगा और इन दोनों का इधर हमें निकालना है क्या लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 360 बाय 2 मींस 180 इस तरह से आपके पास ये थ्योरम भी कंप्लीट होती है कि सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रेंट आर सप्लीमेंट्री 180 और यदि किसी भी क्वाड्रेंट में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रेंट होता है इस तरह से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने यहाँ वन बाय वन डिस्कस किए हैं और इसमें जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी वो सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं अब इसमें आप देखेंगे कुछ एक थ्योरम और बची है कि यदि आपके पास दो थ्योरम है दो सर्कल है या एक ही सर्कल लें इन दोनों कोण की लेंथ इक्वल है उसमें ये दोनों कोण सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे मीन्स यदि हम मार्क कर दें कि यदि ए बी कोण सी डी के इक्वल है तो OP इक्वल टू OQ होगा थ्योरम है इफ यू हैव द टू कोण्स इन ए सर्कल आर इक्वल देन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और यदि पॉइंट है कि यदि टू कोण्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द लेंथ ऑफ कोण आर इक्वल मींस कि यदि आपके पास ये दो कोण दो जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी और यदि ये दोनों बराबर दूरी पर हैं तो इन लेंथ कोण की जीवा की लंबाई भी बराबर होगी तो इस तरह से आपका ये बेसिक पॉइंट जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट सारे क्लियर होते हैं इसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज ट्राई करेंगे जो डाउट्स होंगे उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और सभी अपने साथियों से डिस्कस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट टीचर से जब भी क्लास हो उसमें डालें या मुझे आप डालेंगे तो उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे ओके थैंक यू